एवरीवन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस कैसे हैं आप सभी जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन जल्दी से कंफर्मेशन दे दो यार इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवान चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए फटाफट से मुझे बता दिएगा इस ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन चलिए गुड मॉर्निंग स्टार्ट करें शुड बी स्टार्ट नाउ फिर भी स्टार्ट नाउ देखो आज का सेशन होगा कुछ खास क्योंकि कुछ खास की बात करेंगे आर आरबी जेई तो है ही आर आरबी जेई के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो आज के सेशन का जो है वो एस एस सी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसके लिए इम्पोर्टेंट है एस एस सी जेई के साथ साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसके लिए अब बाकी सारे ए जेई एग्जामिशन के लिए तो सुनो एक और बात एस एस सी की एक और नई अपडेट एस एस सी की एक और नई अपडेट आ चुकी है क्या आप सभी को पता है क्या आपको सभी को पता है एस एस सी की नई अपडेट एस ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अभी तक क्या करते थे आप फॉर्म भरने के लिए जाते थे आपका रजिस्ट्रेशन आपको फिलअप आप कर लेते थे बट नई वेबसाइट्स पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ओटीआर आपको करना पड़ेगा और ओ करने के बाद ही आप और ये जो वेबसाइट है वो आज या कल से आपकी एक्टिवेट हो जाएगी ठीक है तो नई वेबसाइट्स पे अब सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो जो फोटो वगैरह है ना फिर से प्रॉपरली निकलवा लेना ठीक है वरना फिर उसके चक्कर में आपके फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो यह सब मत करना ठीक है फॉर्म वगैरह पे फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह जो भी है वो नए अपलोड करना पुराने कोई भी अपलोड नहीं करेगा तो नई वेबसाइट वेबसाइट लॉन्च कर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी बट तो नई वेबसाइट पे आपको ओटीआर करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा क्लियर है अभी ये अपडेट क्लियर है कल रात को ही नई वेबसाइट लॉन्च हुई है और इसके अंदर आपको ये करना होगा क्लियर है सभी को यस और नो ठीक है और परेशान नहीं होना है क्योंकि नई वाली वेबसाइट पे जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है एस एस का सुनो कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया आप लोगों से कल रात को ये अपडेट आ गई थी मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता बट तबीयत खराब थी जिसके कारण से नहीं कर पाया इंटरेक्ट तो उसमें एक और चीज है क्या नई वाली वेबसाइट्स पे पुराना वाला एग्जाम पैटर्न दिखा रहा है ठीक है उसमें दिखा रहा है सीबीटी वन होगा और सीबीटी टू जो होगा वो आपका सीवीटी टू करके वो आपका कन्वेंशनल एग्जाम होगा एस एस जेई का पैटर्न यही दिखा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक हम उसको फाइनल नहीं मानेंगे हो सकता है पुरानी वेबसाइट से डायरेक्टली उठा करके नई वेबसाइट्स पर चीजें डाल दी गई है इस कारण से वो दिखाई दे रहा है ठीक है क्लियर है बात बेटा उन्तीस फरवरी को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा एस एस जेई का ठीक है तो क्लियर है सभी को ये अपडेट क्लियर है अपडेट सारे सारे अपडेट्स क्लियर है ठीक है हाँ, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया कल उसके रीजन थे मैं आई वॉज टेकिंग द रेस्ट दैट इज वाई ठीक है तो परेशान मत हुआ करो कोई भी किसी भी तरीके से अगर सर कभी रिप्लाई नहीं दे पाए या नहीं हो पाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो ठीक है चलो आगे बढ़े आप चलो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा पलटू राम ऐसा नहीं है कन्वेंशनल है जब तक कन्वेंशनल जब तक नहीं कर सकता जब तक कोई नोटिस नहीं निकालेगा अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है हो सकता है पुरानी वेबसाइट से सीधे चीजें उठा करके नई वेबसाइट पर डाल दी गई है तो नोटिस जब तक नहीं आएगा जब तक हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे या आपका जब नोटिफिकेशन आएगा ट्वेंटी नाइन फरवरी को उसके बाद क्लियरिटी होगी ठीक है चलो ओके थैंक यू एवरीवन चलो मैं बढ़िया हूं अब आपके सामने हूं ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे सेशन को पहला क्वेश्चन आपका यहां पर है पहला क्वेश्चन आपका यहां पर है द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर हंड्रेड मीटर क्यू ऑफ रबल स्टोन मैसेनरी मिल गई हंड्रेड मीटर की बात करते हैं क्या है तो हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो देखो अगर रबल स्टोन मैशनरी की बात करते हैं सुनो हमें क्या करना पड़ेगा वेस्टेज को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि जब रबल स्टोन मेसनरी की बात करते हैं वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है वेस्टेज कितना होता है पच्चीस प्रतिशत तक का वेस्टेज निकल करके आता है कितना पच्चीस प्रतिशत तक तो अगर हमें 100 मीटर क्यूब का बनाना है तो वेस्टेज को काउंट करना होगा 25 प्रतिशत मतलब .25 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये कितना निकल करके आएगा 125 मीटर क्यूब वन ट्वेंटी आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारा राइट right आंसर अब देखो डिफरेंट कंडीशन में अगर हम देखें तो आई एस के अकॉर्डिंग आईएस वन के अकॉर्डिंग सीमेंट के लिए जो वेस्टेज लेते हैं वो कितना वन लेते हैं

नंबर का आंसर बताओ फटाफट से <coughs> 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 बहुत बढ़िया सभी लोग फटाफट से, से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ठीक है सो दैट उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कब कौन सा क्लास हो रहा है मेरा कहाँ हो रहा है ठीक है चलो क्या होगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टिम्बर टिम्बर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को कंसिडर किया क्या बोल रहा है पाम एंड बैम्बू आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस ट्री तो देखो अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री दो तरीके के होते हैं एक होते हैं कौन से एंडोजीनस होते हैं एंडोजीनस अगर हम बात करें तो एंडोजीनस कौन से होते हैं वो जो हमारे अंदर की साइड पर ग्रो कर रहे होते हैं अंदर की साइड पर ग्रो करते हैं वो एंडोजीनस ठीक है और अगर हम बात करते हैं दूसरे होते हैं कौन से एक्जोजीनस अगर एक्जोजीनस की बात करें तो क्या होता है ये बाहर साइड पर ग्रो करते हैं कहा बाहर साइड पर ग्रो करते हैं अब जो इंडोजीनस होते हैं इनका जो हम बात करते हैं यहां पर तो बहुत कम इंजीनियरिंग यूज रखते हैं ठीक है थीके? बहुत कम एक्नस जो होता है वो इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल यूज ज्यादा रखते हैं अब इसमें भी देखें तो एक होते हैं हमारे कॉनिफर्स एक होते हैं क्या कॉनिफर्स और कॉनिफर्स की बात करें तो इसको सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सॉफ्ट वुड भी बोला जाता है ठीक है सॉफ्ट वुड भी बोला जाएगा लेकिन एक होते हैं हमारे कौन से हम बात करते हैं डेसीडियस कौन से होते हैं डेसी ड्यूस अगर हम ड्यूस हम बात करते हैं इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है हार्ड वुड बोला जाता है क्या बोला जाता है हार्ड वुड बोला जाएगा क्या बोला जाएगा हार्ड वुड बोला जाएगा ठीक है अब देखो हार्ड वुड जो है वो हमारा ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड होता है ऐसा नहीं है ठीक है अगर सॉफ्ट वुड की बात करें तो उसमें डिस्टेंट एनल रिंग्स होंगे और डिफरेंट कलर जो होगा वो उनका लाइट कलर होगा जबकि हार्ड वुड क्या होगा हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क कलर में पाए जाते हैं कौन से डार्क कलर में पाए जाएंगे ठीक है हार्डवुड क्या होगा डार्क कलर में पाया जाएगा तो क्या बोला पाम एंड बैंबू आर द एग्जाम्पल ऑफ हम बात करें एंडोजीनस ट्री तो ये बिल्कुल सही हो जाता है पाम एंड बैंब जो है वो एंडोजीनस ट्री का एग्जाम्पल है बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है दूसरा एक्जोजिनस ट्री ग्रो आउटवर्ड एंड आर यूज फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चरल एलिमेंट बिल्कुल सही बात है एक्जोजीनस की बात करें तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं यूज कर रहे होते हैं ठीक है ठीके? अगर सॉफ्टवुड की बात करें डार्कर इन कलर तो अभी हाल हमने बात की सॉफ्टवुड कैसे होते हैं ठीक है और डिस्टेंट एनुलर रिंग्स भी निकल करके आते हैं Distance, भी निकल करके। तो हम और अच्छा, अगर, हम आते है, -led -led होते है. अगर हम बात करते हैं uh, क्या होते हैं हम डेटि के जो लीब्स होते हैं वो कैसे होते हैं ब्रॉड लीव होते हैं कैसे होते ब्रॉड लीव हो रहे होते हैं अच्छा ऐसा कौन से है जिसमें नए लीव्स आ जाने के बाद पुराने झड़ते हैं ऐसे कौन से हैं इनमें से जिसमें नए लीव्स आ जाने के बाद ही पुराने झड़ जाते हैं जल्दी बताओ <laughs> कौन सा है डेडियुअस बिल्कुल सही बात है डैसी ड्यूस में हमारे जब तक नए लीव्स नहीं आएंगे जब तक पुराने नहीं झड़ रहे होते हैं ठीक है थीके? तो हमारे डेसी डिवस की बात करेंगे डेसी अब इसका स्ट्रक्चर और देखना स्ट्रक्चर और देखना सबसे बीच में क्या होता है पिथ होता है सबसे बीच में क्या होता है पिथ होता है फिर होगा हार्ट वोट होगा के क्या होता है इनर अगर हम लेयर होती है फिर इनर बार्क होता है फिर आउटर बार्क होता है तो ये पूरा पूरा का क्वेश्चन जाता है इनर से लेकर के आउटर तक का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से थर्ड नंबर तो? की बात right करो फटाफट से अब इसका आंसर तो कौन नहीं बता पाएगा लाइक like मैंगो बहुत बढ़िया जल्दी 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 फटाफट से सेशन को शेयर लाइक करो तो सभी को पता है क्या होगा राइट इंटू राइट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग निकल करके आता है तो राइट right कितना होता है थर्टी मीटर और निकालना कितना एक्स इज इक्वल टू कितना होगा रॉन्ग रॉन्ग की बात करेंगे तो रॉन्ग कितना हुआ टू फिफ्टी मीटर का रॉन्ग हुआ लेकिन अगर हमने देखा तो टेन सेंटीमीटर टू शॉर्ट मतलब ये कहीं वैल्यू थर्टी माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो मतलब ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन जीरो और 29.90 आई तो क्या होगा x की वैल्यू 249.17 मीटर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन तो है अगर हम देखें तो सॉल्यूशन करने की जा, जा सकता है कैसे अगर हमने देखा टू शॉर्ट और टू शॉर्ट का मतलब क्या है करेक्शन निगेटिव होगा करेक्शन निगेटिव होगा मतलब दो से कम वैल्यू आएगी और दो से कम वैल्यू आएगी तो केवल एक ही वैल्यू है जो 250 से कम दी गई है केवल एक ही वैल्यू है जो 250 से कम दी गई है समझ में आया कॉन्सेप्ट समझ में आया तो करेक्शन हमेशा निगेटिव होगा और 250 से कम वैल्यू निकल करके आएगी इसलिए हमने यहां पर ऑप्शन क्या लगाया है बी इज द राइट आंसर दूसरा अगर चेन टू शॉर्ट है तो जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ज्यादा आएगी या कम आएगी मेजर वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू और उससे भी हम बात करते हैं यहां पर निकाल सकते हैं तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली आप अगर एक ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से तो कंसेप्ट लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं कंसेप्ट लगा करके भी आंसर निकाल सकते हैं थर्ड नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर फोर्थ की बात करो अच्छा अगर इसमें अगर एरिया होता तो एरिया के केस में क्या करते हैं हम यहां पर स्क्वायर करते हैं रॉन्ग अपॉन राइट का क्या होगा चेन स्क्वायर करते हैं और अगर वॉल्यूम uh, होता है तो क्या होता है रॉन्ग अपॉन राइट चेन लेंथ का जो क्या करते क्यूब कर रहे होते ठीक है क्यूब कर रहे होते थर्ड नंबर की बात करेंगे फोर्थ की बात करो फटाफट से यस मड कलेक्शन मड करेक्शन क्या होता है मड कलेक्शन बिटवीन द चेन अच्छा हाँ मड कलेक्शन बिटवीन द चेन ओके हाँ बहुत बढ़िया <laughs> तो देखो बताओ आंसर क्या होगा फोर्थ नंबर का क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ अ फ्रेम इज लेस देन टू जे माइनस थ्री मतलब एम जो है वो लेस देन टू जे माइनस थ्री निकल करके आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा डिफिशियट फ्रेम बोला जाएगा क्या बोला जाएगा तो हम बात करते हैं यहां पर तो हम बात करते हैं यहां पर ये यह कंडीशन निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर दिस वन इज द राइट आंसर ठीक है ठीक है तो हम बात करेंगे कंडीशन निकल करके आएगा इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फ्रेम इज मोर देन टू जे माइनस थ्री कितना क्या होगा रिटेंडेंट फ्रेम निकल करके आएगा कौन सा रिटेंडेंट फ्रेम निकल आएगा रिटेंडेंट फ्रेम निकल करके आएगा और अगर इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन द फ्रेम इज इक्वल टू हम बात करते हैं टू जे माइनस थ्री तो ये क्या होगा परफेक्ट फ्रेम निकल करके आता है तो तीनों स्टेटमेंट सही होगा इसलिए ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट right आंसर निकल कर आ रहा है फिफ्थ नंबर का आंसर बताओ फटाफट से थिनर अगर हम मत थिनर यूज इन द प्लास्टिक पेंट इज थिनर की बात करेंगे यूज इन द प्लास्टिक पेंट इज फटाफट से <laughs> <laughs> देखो अगर प्लास्टिक पेंट की बात करेंगे तो प्लास्टिक पेंट के पेस में जो हम थिनर यूज करते हैं वो थिनर क्या होता है

पीडीएफ मिलेगा यार पीडीएफ तो मिलता है पीडीएफ मिलता है आपको टेलीग्राम पर ठीक है टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा चलो फटाफट आंसर दो फटाफट आंसर दो क्या होगा सिलेक्ट द इन करेक्ट करेक्शन टू बी अप्लाइड बाई डिटरमाइनिंग द डिफरेंस इज एलिवेशन बिटवीन द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द डिफरेंस इन एलिवेशन ठीक है क्या बोला डिफरेंट इन एलिवेशन अगर हम डिफरेंट इन एलिवेशन बिटवीन द दू पॉइंट अब सुनो एक काम सुनो क्या बोला एलिवेशन अगर एक्सिस सिग्नल की बात करें तो ये एलिवेशन का करेक्शन है या नहीं अगर एक्सिस सिग्नल की बात करोगे तो एलिवेशन का करेक्शन है या नहीं जब लेवलिंग करोगे तभी तो हम इसको लगाएंगे तो ये तो लगा सकते हैं अब तुम देखो आधे पलट जाएंगे देखो आप आधे पलटेंगे ठीक है ये करेक्शन फॉर क्या एलिवेशन के केस में ही करेक्शन फॉर कर्वेचर लगाते हो लेवलिंग के केस में लेवलिंग के केस में करेक्शन लगाते हो लगाते हैं क्या रिफ्रेक्शन करेक्शन भी लेवलिंग के केस में लगाते हो बिल्कुल लगाते हो और रिफ्रेक्शन करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है अगर देखा जाए प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन वन टू हमारे डी स्क्वायर डी की वैल्यू किलोमीटर में करेक्शन अगर हम बात करते हैं इसका कितना होगा कर्वेचर का कर्वेचर करेक्शन होता है माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट फाइव अगर हम बात करते हैं डी स्क्वायर निकल करके आएगा यही होगा <laughs> यही होगा क्या कर्वेचर करेक्शन सही लिखा है क्या कर्वेचर करेक्शन सही लिखा है ठीक है तो अगर हमने बात किया लेकिन करेक्शन फॉर सैग कि किस पे लगाते हैं चेन या टेप का करेक्शन है चेन या टैप का करेक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है सैग की वैल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन ट्वेंटी फोर पी एम स्क्वायर निकल करके आता है आता है या नहीं तो अगर हम बात करेंगे ये कंडीशन निकल करके आ रही है तो किसका है हॉरिजॉन्टल लेंथ का और यह क्या पूछ रहा है एलिवेशन डिफरेंस का करेक्शन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर है प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन या नहीं बताओ समझ में आया यस और नो समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है कई सारे लोगों ने यहां पर गलत आंसर दे दिया था अभी समझ आया आइडेंटिफाई एलिवेशन तो एक्सेस सिग्नल हुई एक्सेस सिग्नल जब होता है जब हमारे पास रीडिंग होगी तब हम एक्सेस सिग्नल का करेक्शन अप्लाई करेंगे समझ में आया तो सेवेंथ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है एथ का आंसर बताओ बेटीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बेटीज थ्योरम की बात करते हैं बेटीज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है ठीक है मेरे लाते हुए क्वेश्चन पे आ रहे ही होते हैं अच्छा ऐसा क्या <laughs> सॉरी जल्दी फटाफट पड़ से आंसर दे दो यार फटाफट पड़ से आंसर दे दो सी बोल रहे हैं कुछ लोग यहां पर आंसर सी बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं नो आइडिया बोल रहे हैं डेल्टा वन टू इज इक्वल टू डेल्टा टू वन ये तो हमें भी पता है ब्रिटिश थ्योरम क्या बोलता है ब्रिटिश थ्योरम ये बोलता है कि यहां पर अगर लोड लगा दिया जाए तो डिफ्लेक्शन यहां पर y1 आ जाएगा सो पी वन वाई हो गया ये और अगर यहां पर लोड लगा दिया जाए पी का तो यहां डिफ्लेक्शन वाई y2 आ जाएगा तो थ्योरम बोलता है p1 y1 is equal to p2 y2 हो जाएगा ठीक है रेसिप्रोकल का बात कर रहा है ये तो हमें भी पता है आंसर क्या होगा जब नहीं आया तो हमने लिख दिया कि डेल्टा 1 बढ़ा डेल्टा वन टू डेल्टा 21 आंसर आंसर बोलो पहले

स्टैटिक हाँ, पहले बता बता दिए दिए थे थे अच्छा थे, ओके मैंने देखा नहीं होगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं स्टैटिक हम बात करेंगे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तो जो होगा यहाँ पर ये यह होगा तो ये होगा नॉन लिनियरली हम बात करते हैं हो नहीं सकता है, तो लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए तो पक्का है स्ट्रक्चर क्या होना इक्विलिब्रियम होना चाहिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है इसलिए ऑप्शन नंबर

आज थोड़ी ज्यादा खराब है ठीक है चलो बड़ा बराबर से बीम शोन बिलो ठीक है आपको यह आज ये मत बोलना कि जल्दी जल्दी चलो जितनी ज्यादा जल्दी बोलूंगा तो फिर मेरे को और खांसी आएगी ठीक है चलो सही आ रही है बहुत बढ़िया बात है तो डिटरमाइन द कामेटिक इंडिटर्मनेसी अगर हम कामेटिक इंडेटर की बात करते हैं ऑफ द बीम शोन बिलो काइनामेटिक निकालना है बेटा काइनामेटिक अगर काइनामेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने का है तो डी के इज इक्वल टू कितना होना चाहिए थ्री माइनस आर ई प्लस आर आर निकल करके आएगा यानी अगर हम बात करेंगे या आर डैश निकल करके आएगा यानी आएगा थ्री माइनस आर ई प्लस आर डैश अगर देखा जाए तो कितना थ्री ज्वाइंट कितने हैं पहले बताओ

दो मेंबर ज्वाइन हो रहा है तो दो मेंबर ज्वाइन हो रहा है तो कितना हो जाएगा टू माइनस वन और यहां पर भी कितना दो मेंबर ज्वाइन हो हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2 -1 निकल करके आएगा दोनों ही केस में टू माइनस वन टू माइनस वन मतलब 1 +1, नि 2 निकल करके आएगा। और टू निकल करके आएगा तो क्या निकल करके आएगा हमारा आंसर हमारा आंसर क्या आ रहा है फटाफट अठारह अठारह माइनस सात हम बात करें ग्यारह ग्यारह प्लस दो हम बात करें तेरह निकल कर करके आ रहा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन नंबर टू द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर यही में में के केस में लिखता, तो इक्वल क्या होता ट्रस्ट के केस में, तो आता है जिसको हम के केस में लिखते हैं ट्रस्ट के केस में लिख रहे होते अच्छा इसी बीम के लिए अगर निकाली तो कितनी होगी बिल्कुल यार गौरव महाराष्ट्र में भी होगा एसएससी का सेंटर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है

और एक यहां पर एक और दो, दो होते हैं। जितने होते है डिग्री ऑफ फ्रीडम से किया जाए तो कैसे होगा बताओ यहां पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है मुझे बताओ चलो इस पॉइंट में बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक इस पॉइंट में बताओ कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है दो कि एक ही है एक है इस पॉइंट अगर दो तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगा है तो एक तरफ ही मूव कर सकता है ना यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है। इंटरनल पे तीन और तीन और डिग्री ऑफ़ फ्रीडम निकल करके आते ठीक है थीके? तो हमारे के रोलर पे कितने दो दो चार और एक पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है तो यहां पर डायरेक्टली हमारे तीन तीन छह हो गए छह सात आठ नौ दस और ग्यारह ग्यारह और उसके बाद एक यहां पर निकल करके आएगा तो वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल करके आएगा इसमें एक्जैक्टली exactly, हाँ इसमें एक्जेक्टली exactly डिग्री ऑफ फ्रीडम से नहीं आएगा एग्जेक्टली exactly नहीं आएगा आसपास निकल करके आएगा क्योंकि यहां पर तीन निकल करके आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है क्लियर है डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्लियर है हाँ तो हमने बात करते हैं यहां पर एक कंडीशन लिखा है तो की बात करेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर निकल करके आएगा

ठीक है तो हम अगर नाइन्थ की बात करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर होगा टेंथ की बात करो फटाफट पड़ से टेंथ की बात करो फटाफट पड़ से की बात करो फटाफट पड़ से यस इंटरनल पर रिलीज रिएक्शन देखते हैं कितनी रिएक्शन रिलीज हो रही है फटाफट आंसर दो और तुम लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा क्या सुनो देखो इस सैटरडे हम करने वाले हैं कुछ खास सैटरडे और संडे होने वाला खा सैटरडे को तो आर आरबी जय रहेगा आपका और अगर मैं संडे की बात करूंगा तो संडे को आपके लिए स्पेशल लेकर के आ रहे हैं देखो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं क्या यहां पर व्यापम सब इंजीनियर चौबीस अगर हम बात करते हैं चौबीस तारीख को चौबीस फरवरी को यानी कल अगर हम बात करेंगे तो यहां पर व्यापम सब इंजीनियर का एक्स्ट्रा अगर हम बात करते पेपर लेकर के आ रहा हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ठीक है व्यापक समझने का पूरा का पूरा हम बात करते हैं पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाने वाला हो तो ये कंडीशन निकल करके आएगी ठीक है तो सभी लोग इस सेशन को शेयर और लाइक कर दो यार बिल्कुल तरीके से मिलने वाले हैं सेशन के लिए बिल्कुल तरीके से ठीक है चलो हम बात करेंगे यहां पर आंसर दो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज कॉस्ड बाय द वेपोराइजेशन ऑफ एंट्रेप्ड मॉइस्चर ऑफ सॉल्वेंट इन अ पेंटेड सरफेस जल्दी बताओ फटाफट से ठीक है बिल्कुल तरीके से सभी लोग शेयर और लाइक कर दो सेशन को तो हम बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोल रहे होते हैं क्या ब्लिस्ट्रिंग बोल रहे होते हैं इसको हम क्या बोल रहे होते हैं ब्लिस्टरिंग बोला जा रहा होता तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा तो टेंथ की बात करेंगे ऑप्शन नंबर टू द राइट आंसर ठीक है चलो हाउ मच इज द कार्बन कंटेंट इन द परसेंटेज ऑफ हार्ड स्टील हार्ड स्टील के केस में कार्बन कंटेंट कितना होगा हार्ड स्टील के केस में कार्बन कंटेंट कितना होगा ठीक है ठीक है अगर हम बात करेंगे कार्बन कंटेंट इन परसेंटेज कितना होगा देखो अगर हम बात करते हैं लाइट की अगर हम बात करते हैं किसकी लो कार्बन की तो लो कार्बन के केस में कितना होता है 0.04 से लेकर के 0.3 परसेंट निकल करके आएगा कितना 0.04 से लेकर के 0.3 परसेंट निकल करके आएगा ठीक है अगर मीडियम कार्बन की बात करें तो जीरो से लेकर के जीरो होगा जीरो पॉइंट थ्री से लेकर के कितना जीरो पॉइंट सिक्स हो जाता है और अगर हाई कार्बन की बात की जाए तो हाई कार्बन के केस में कितना होगा से लेकर के तक निकल करके आता है कितना जीरो पॉइंट सिक्स से लेकर के वन पॉइंट फाइव परसेंट तक निकल करके आ रहा होता है तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए राइट आंसर क्या होना चाहिए जो राइट आंसर निकल करके क्या आता है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर निकल करके आने वाला है तो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर निकल करके आएगा इलेवेंथ की बात करेंगे अब देखो इलेवेंथ में अगर हम देखें तो स्टील को दो तरीके से डिवाइड करते हैं एक कार्बन स्टील एक अलॉय स्टील ठीक है कार्बन में लो कार्बन होता है मीडियम कार्बन होता है और हाई कार्बन लो कार्बन के लिए वैल्यू कितनी बताई है जीरो पॉइंट जीरो फोर से लेकर के जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट जीरो फोर से लेकर के अगर हम जीरो पॉइंट जीरो फोर से लेकर के जीरो पॉइंट थ्री निकल करके आ रहा है ये जो निकल कर कहता है वो कितना होता है से के से के और ये कितना आएगा जीरो से कार्बन निकल करके कर आ रहा है परसेंटेज में कार्बन और अगर देखा जाए तो अलॉय स्टील डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल करके आती है तो स्टील में अलग अलग, अलग कार्बन कंटेंट निकल करके आएगा अलॉय स्टील केस में अलग अलग कार्बन कंटेंट तो इलेवेंथ की बात करेंगे हमारा आंसर ट्वेल्थ की बात करो फटाफट से <coughs> समझ में आया यस yes, डक्टिलिटी कम होती जाती कार्बन बढ़ने के साथ साथ डक्टिलिटी कम होती जाएगी ठीक है फॉर फिक्सिंग अ प्लेन टेबल फ्रॉम अ थ्री नोन पॉइंट इज गुड इफ थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की बात कर रहा है और जब थ्री पॉइंट प्रॉब्लम की बात करेगा तो देखो हम जब भी जो एक ग्रेट सर्किल बनाएंगे ठीक है ग्रेट सर्किल तो हमारा प्रोबेबल लोकेशन होना चाहिए वो कहा होना चाहिए इस ग्रेट सर्किल के अंदर होना चाहिए अगर इस ग्रेट सर्किल का सरकम देखें तो इस सर्कम पे या नियर द सर्कम पे आता है तो हमारा क्या होता है पुअर फिक्स कहा जाएगा अगर इस सरकम पे आएगा लोकेशन या नियर द सर्कम आता है तो हमारा क्या कहा जाएगा पुअर फिक्स कहा जा रहा होता है क्या कहा जाता है

मतलब नए क्वेश्चन दिखे नहीं और भागना स्टार्ट होते हैं ऐसे कि क्या होता है क्योंकि बनते नहीं है और फिर यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलते हैं फिर बोलते हैं सर वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था आउट ऑफ सिलेबस आ गया था होता है ना ऐसा होता है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो मतलब मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नए क्वेश्चन लेकर के क्यों आ रहा हूं मैं भी बाकी लोगों की तरह पुराने क्वेश्चन ही करवाता रहू ना तो बच्चे भी आएंगे ठीक है और मेरा पढ़ाने का जो है वो भी कंप्लीट होता रहेगा फिर ऊपर से मुझे प्रेशर दिया जाता है सर आपकी क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या करें चलो दो इंक्रीज हुए आप बोले तो अच्छा ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो <coughs> तो बारह नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर निकल करके आएगा तो ऑप्शन नंबर वन जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा ठीक है तो हम बात करते हैं यहां पर ठीक है तो हम बात करते हैं बारह नंबर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर निकल कर आएगा कर तेरा नंबर का आंसर दो तो फटाफट से तेरा नंबर का आंसर दो तो फटाफट से तेरह नंबर का आंसर दो तो फटाफट से ओके फिफ्टी फिफ्टी कर दिया कीजिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया

फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स होते हैं उनके बारे में भी अपनी इंफॉर्मेशन रहा होता है उनके बारे में भी हम क्या करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा होता है तो वो भी हमारा सही हो जाएगा दूसरा सर्वे फॉर एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ सच गोल्ड गोल्ड कोल कोल तो gold, coal, इन सब के लिए क्या करते हैं माइन सर्वे हम कर रहे होते हैं तो माइन सर्वे कर रहे होते हैं इसलिए हमारा आंसर क्या होगा हमारा तीनों सही हो गए तीनों पॉइंट सही हो गए इसलिए ऑप्शन नंबर फोर जो है वो हमारा राइट right आंसर निकल करके आ रहा है ऑप्शन नंबर फोर जो होगा वो हमारा, वो हमारा राइट right आंसर तो थर्टीन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर होगा फोर्टीन की बात करो पर बहुत प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ अल्टीमेट क्वेश्चन ये कंपटीशन कम करने की जगह बढ़ गया कैसे गया डिफॉर्म सर्वे मीन बेटा डिफॉर्म सर्वे का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं ब्रेक, ब्रेक में बात करेंगे ठीक like है मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको जैसे लाइक like किसी कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है तो उस कंडीशन में हमें डिफॉर्म सर्वे करना पड़ेगा किस तरीके से तोड़ेंगे क्या करना है किस तरीके से करना है सो so देट हम बात करेंगे आसपास नुकसान ज्यादा ना हो ठीक है चलो बताओ अब इसका बताओ देखो अगर हम स्टाफ की बात करें तो दो तरीके के मेनली स्टाफ होते हैं एक होते हैं क्या, है? है, है क्या? तो मतलब क्या होता है ऐसा नहीं, कि अपने आप रीड कर नहीं है अपने आप रीड कर लेते ठीक है सेल्फ रीडिंग स्टाफ का मतलब है कि टेलीस्कोप की मदद से जिस पॉइंट पर टेलीस्कोप डायरेक्ट होगा उसी पॉइंट को अपने आप रीड कर लिया जाता है उस पॉइंट को अपने आप क्या कर लिया जाता है तो रीड कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे सेल्फ अगर हम बात करते हैं रीडिंग स्टाफ बोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा सेल्फ रीडिंग स्टाफ बोला जाएगा ठीक है तो अगर मैं यहां से चलू ये चलता हूं द स्मॉलेस्ट डिवीजन इज स्मोलेस्ट डिविजन इट्स लेंथ इज अबाउट मीटर तो थ्री मीटर का जो लेंथ निकल करके आता है वो किसका आता है सॉलिड स्टाफ के केस में निकल करके आता है तो सॉलिड स्टाफ के केस में क्या होता है हम बात करें थ्री मीटर का लेंथ निकल करके आ रहा होता है तो बी की बात करेंगे तो क्या होगा वन जो है वो सही मेल हो जाएगा वन जो है वो सही मेल हो जाएगा ठीक है दूसरा तो हम बात करते हैं यहां पर इट हैज मूविंग टारगेट अगेंस्ट विच द रीडिंग आर टेकन बाय द स्टाफ मैन मूविंग टारगेट रख रहा है क्या रख रहा है मूविंग एंड द स्लाइडिंग टारगेट कौन सा देखो अगर हम अपने टारगेट मूविंग है टारगेट कैसा है मूविंग है तो मूविंग टारगेट के केस में हम क्या करते हैं टारगेट स्टाफ को यूज करेंगे ठीक है तो हम बात करते हैं टारगेट स्टाफ को यूज करेंगे तो करें, सेकंड तो की बात करेंगे कौन सा डी निकल करके आया तो सेकंड की बात करेंगे कौन सा डी अच्छा अगर टारगेट स्टाफ की बात करेंगे तो तुमने टोटल स्टेशन सुना है टोटल स्टेशन और टोटल स्टेशन के केस में आजकल रोबोटिक टोटल स्टेशन यूज करते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं टारगेट स्टाफ होता है स्टाफ के ऊपर एक प्रिज्म लगा होता है तुम प्रिज्म को इस तरीके से ले जाओगे वहां से लॉक कर देते हो टोटल स्टेशन को और एक व्यक्ति रिक्वायर्ड होता है जो प्रिज्म को यहां माना तो वो टोटल स्टेशन अपने आप ही इस प्रिज्म को डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके से घूमता रहता है इस तरीके से घूमता रहता है ठीक है वो टोटल स्टेशन क्या करता है इस तरीके से घूमता रहता है अपने आप तुम प्रिज्म को यहाँ ले जाओगे टोटल स्टेशन यहाँ जाएगा तुम यहां ले आओगे यहाँ तो अगर हम बात करते हैं जैसे सीलिंग वगैरह है इन सब की हाइट वगैरह है ब्रिज वगैरह है तो वहां पर बस टारगेट फिक्स कर दो ऐसा लगा दो और टोटल स्टेशन अपने आप वो क्या करता है रीडिंग मार्क कर लेता है रीडिंग मार्क कर लेता है ठीक है वो डायरेक्टली रीडिंग मार्क कर लेता है एंड आई हैव ऑपरेटेड दैट स्टेशन टू हैल्सो ठीक है इसलिए बता रहा हूं आपको ठीक है तो अगर हम बात करते हैं वो हमारा रोबोटिक टोटल स्टेशन जो है वो उसमें

फोर निकल गया इट हैज थ्री टेलीस्कोप इट्स स्ट्रेच अगर हम बात आउट आउटपुली नॉर्मली इट्स टोटल लेंथ 5 मीटर तो टेलीस्कोपिक की हम बात करते हैं टोटल लेंथ कितना होता है फाइव मीटर और तीन ट्यूब के फॉर्म में नीचे वाला जो ट्यूब होता है वो बहुत बड़ा साइज का होगा फिर छोटा ऊपर वाला साइज का फिर ऊपर वाला और भी छोटा साइज का होता जाता है तो इस तरीके से ट्यूबुलर फॉर्म में निकल करके आ रहा होता है तो अब देखो ए का हम बात करेंगे तो कहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा समझ आया क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन स्टाफ के बेसिस पर क्वेश्चन समझ में आया नो मजेदार क्वेश्चन इस पर डायग्राम पूछा जाएगा पूछ सकता है कोई दिक्कत नहीं अगर आपने बोल दिया आपकी गट फीलिंग है तो पूछा भी जा सकता है ठीक है तो डायग्राम भी देख लेना सभी लोग ठीक है सभी लोग इसके डायग्राम एक काम करना एक काम करना यही करना टेलीग्राम पे देखना डायग्राम देख के टेलीग्राम पे इन सबके डायग्राम डाल देना ठीक है चलो फोर्टीन फिफ्टीन नंबर का आंसर दो फटाफट से फिफ्टीन नंबर का आंसर दो बहुत बढ़िया जय इस... काफी दिनों बाद आए चलो अ कैनाल ऑफ बॉटम विड्थ बी अगर बॉटम विड्थ कितना है बी निकल करके आ रहा है और क्या बोल रहा है डेप्थ जेड है ठीक है ट्रापेजॉइटल कैनाल है बॉटम विड्थ हमारा जो निकल करके आ रहा है वो बी है और डेप्थ कितना है वाई निकल करके आ रहा है डेप्थ कितना है वाई निकल करके आ रहा है

तो एवरेज मिड निकालेंगे तो कितना, आएगा? तो कितना आएगा अगर हम देखेंगे तो बी वाई प्लस अगर बीवाई प्लस एस वाई और एस क्या होता है वन रेशियो एस निकल कर क्या आता है वन रेशियो एस होगा और एस की वैल्यू क्या होगी वन वाई जेड हो जाएगी ठीक है तो अगर हम आते हैं तो एस तो की जगह क्या है जेड है Vy plus square. और square में क्या हुआ लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल कर राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर निकल तो मिड सेक्शनल फॉर्मूला हमने यहाँ पर डायरेक्टली लगा दिया है तो आ, दूसरा तरीका क्या था ये क्रॉस सेक्शन निकालो इसको मल्टीप्लाई करो से. ये क्रॉस सेक्शन निकालो और क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई करो किससे लेंथ से तो क्रॉस सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा पहले ये एक्स निकालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा ये एक्स निकालना पड़ेगा और जब ये एक्स कैलकुलेट हो जाएगा तब जा करके तुम क्या करोगे टॉप बेड प्लस बॉटम बेड और इन, इनके बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ वो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से तो वहां से आंसर निकल करके आएगा समझ आया दोनों तरीके दोनों तरीके से तुम यहां पर सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो 15 की बात करें डायरेक्टली मिड सेक्शनल फॉर्मुला हमने यहां पर लगा दिया है जो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री निकल करके आ रहा है ठीक है चलो सिक्सटीन नंबर <coughs> दिखाई दे रहा है क्या डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जूम करना है अब बता दो आंसर क्या होगा बता दो आंसर क्या होगा पता नहीं पता कैसे नहीं है यार इतनी बार तो समझा चुका हूं इतनी बार बता चुका हूं पता कैसे नहीं है कैसी कैसी बातें करते हुए तुम लोग यार पता नहीं देखो अबे इतना सरल क्वेश्चन स्किप करोगे तो कैसे होगा यार देखो बी पॉइंट को कंसीडर करो बी पॉइंट को कंसीडर करो तो कितना होगा यहां से निकालोगे कितना हमारा निकल करके आया कितना बीसी बी ए और बी तो बी तो बीसी बी ये निकल करके आया अब देखो BC को देखोगे तो BC क्या है हमारा फिक्स है और फिक्स केस में कितना होता है फोर ई आई वाई एल निकल करके आएगा फोर ई आई वाई एल तो कितना आ ई आई आएगा यानी बी ए की बात करो तो ए में जो होगा वो क्या है रिजिडली रिजिडली है है पॉइंट अगर रिजिडली फिक्स है तो कितना होगा इसमें फोर ई आई वाई एल आएगा अगर रिजिडली तो फिक्स होगा फोर ई आई वाई एल आएगा तो ये भी कितना आएगा फोर ई आई वाई एल और फोर ई आई वाई कितना थ्री निकल करके आएगा क्योंकि तो एल की वैल्यू कितना है थ्री है एल की वैल्यू कितना है थ्री है ठीक है तो अगर हम बात करेंगे ये कंडीशन निकल के आए ये कौन सा है रोलर है रोलर के केस में कितना होता है थ्री ई आई वाई एल निकल करके आएगा कितना थ्री ई आई वाई एल कितना यह एल की वैल्यू कितना है तीन मीटर है अगेन तो हम बात करते हैं थ्री ई आई वाई एल निकल करके आएगा थ्री ई आई वाई एल तो ये कितना हो जाएगा ई आई और इन सब का समेशन करोगे तो कितना हो जाएगा के इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं के बी इज इक्वल टू कितनाएगा वन टू थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री हम बात करते हैं ई आई निकल करके आएगा अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो क्या होता है हम बात करें के, के अगर हम आते हैं बीसी के लिए निकालना है तो कितना होगा इसका हम बात करेंगे इसके लिए के के बीसी अपॉन टोटल के बी के निकल करके आएगा तो कितना थ्री पॉइंट थ्री थ्री ई आई निकल करके आएगा और वन बाई थ्री पॉइंट थ्री थ्री निकालोगे वन बाई थ्री बाई पॉइंट थ्री तो थ्री बाई फोर आएगा लगभग तो कितना हो जाएगा पॉइंट फोर के लगभग आ रहा होगा आ रहा है या नहीं बताओ आ रहा है या नहीं हाँ या, हा या ना अरे हाँ या ना तो बीसी की वैल्यू कितनी आ रही है पॉइंट फोर निकल कर गया सॉरी बी सी बीसी कितना आ रहा है पॉइंट थ्री आ रहा होगा यार कितना आ रहा है एक बार चेक करना है ये? आ आ आ रहा रहा है? है। चलो। तो पॉइंट थ्री जीरो कर लो कोई दिक्कत नहीं पॉइंट थ्री जीरो कर लो बीसी उसके बाद क्या निकालना है बी ए अगर बी ए को निकालोगे तो कितना हो जाएगा हम फोर ई आई एल हम बात करते फोर ई आई थ्री अपॉन कितना 3.33 ईआई निकल करके आएगा ये कितना आ रहा है बीए ये कितना आ रहा है अब हम आते वन 1/3 हो गया नाइन हो गया तो ये ये तो पॉइंट फोर आ रहा होगा अगेन हम आते हैं बीसी अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना होगा बीई की वैल्यू निकाल लो तो बीई की वैल्यू कितना होगा ईआई अपॉन कितना 3.33 ईआई निकल कर आएगा इज इक्वल टू 0.30 और यहां पर देख लो अगर ये दोनों सेम आए थे तो इन दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी सेम आएगा और बीसी और बी अगर बीसी और बी में देखे बीसी और बी में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम केवल एक ही जगह दिया है BC और BE में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सेम केवल एक ही जगह दिया गया है तो उससे भी तुम ऐसा आंसर निकाल सकते थे यस और नो भट साहब पूछ रहे हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है साहब सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग तो समझ आया पहले मुझे बताओ कई बार बता चुका हूं और अगर फ्री एंड होता तो क्या होता फ्री एंड के केस में कितना होता स्टिफनेस समझ में आया अगर तुम यहां से देखो इन दोनों के लिए जो है वो के आई की वैल्यू सेम आई है मतलब इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी क्या आने वाला है सेम आने वाला है और अगर तुम्हें ये वाली कैलकुलेशन नहीं भी करनी है तो तुम यहां ऑप्शन से चेक कर सकते हो केवल एक में ही बी और बी सी के लिए वैल्यू क्या दे रखी है सेम दे रखी है तो केवल इतनी सी कैलकुलेशन करके भी यहां आंसर निकलता और कितने लोग स्किप कर रहे थे इस क्वेश्चन को क्या एक मिनट से भी ज्यादा का क्वेश्चन है ये लिटरली बताऊं तो एक मिनट से ज्यादा का भी क्वेश्चन है क्या ये अगर ये कैलकुलेशन तुमने कर ली तो एक मिनट से ज्यादा लगेंगे क्या है यहां पर तो ऐसे क्वेश्चन देख करके स्किप मत मारा करो यार ट्राई किया करो आज यहां स्किप कर रहे हो कल एग्जाम में स्किप करोगे तो यहां ट्राई करना स्टार्ट नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे करोगे हाँ जिनने पहले कभी नहीं देखा उनकी बात अलग है आप क्लियर हो गया तो फिक्स्ड एंड होगा तो कितना होता है फोर ई आई एल और अगर हिंज पोर्शन होता है तो कितना होता है थ्री ई आई एल होगा और अगर हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो तो हम बात करेंगे यहां पर क्या होगा 16 का आंसर हमारा ये निकल कर आएगा 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 का आंसर देना फटाफट -पट से हाँ मेरे साथ बहुत लोगों ने किया अरे ये ये बताओ तुम्हें सबके सिलेक्शन से मतलब है कि अपने सिलेक्शन से उनका नहीं हुआ बहुत लोगों ने किया मेरे साथ स्किप तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम भी चाहते तुम्हारा भी ना हो राधर क्या करना है सभी लोगों से जब तुमने भी वही कर लिया सभी ने वो भी कर लिया तो अंतर कहाँ बचा समझ रहे हो ना बात को ओ लड़के चलो तो हम प्रोटेक्ट फेरस मेटल शीट फ्रॉम दर दे, दे आर, आर डिफ्ट इन अफ मोल्टन जिंक क्या नाम दिया जाता है तो इस प्रोसेस को जो नाम दिया जाता है तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा गैल्बेनाइजिंग निकल करके आएगा इसको क्या बोलते हैं अब देखो यहाँ पर गैल्बेनाइजिन की पूरी लिख दी है अगर हम आते हैं, हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए इलेक्ट्रो प्लांटिंग की लिख दी है और और पार्किंग पार्कराइजिंग की भी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है तो ये डेफिनेशन सभी लोग पढ़ लेना तो तुम्हें यहां पर बाकी सभी के रिगार्डिंग बाकी सभी के रिगार्डिंग क्या होगा तुम्हें एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर इन प्रोसेस को कर रहे होते हैं किस तरीके से यहाँ पर इन प्रोसेस को कर रहे होते हैं ठीक है चलो अरे यार ये आंसर लीक हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर हम बात करें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कन्वर्टिंगल फॉर्म अगर टिंबर को किसमें कमर्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो द डिफेक्ट्स क्रिएटेड ड्यू टू द इंप्रेशन ऑफ पॉल टूल्स तो क्या निकल कर क्या आएगा वो होगा टॉर्न्ड ग्रेन निकल करके के आएगा कौन सा होता है टॉर्न्ड ग्रेन निकल करके आएगा तो 18 की बात करेंगे हमारा 18 की बात करेंगे हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा ठीक है 19 19 का आंसर दो नहीं भैया ऐसे लीक नहीं करेंगे अपन चलो कैरी ओवर फैक्टर इज वन हम आते हैं कैरी ओवर फैक्टर इज वन तो भैया कैरी ओवर फैक्टर वन नहीं होता है कितना होता है माइनस वन होता है कितना होता है माइनस वन होता है तो इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया दूसरा कैरी ओवर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ कैरीड ओवर मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट तो ये क्या हो जाएगा सही निकल करके आएगा इसलिए हम बात करते हैं यहां पर तो ये कंडीशन निकल करके आ रहा है तो ऑप्शन नंबर टू जो होगा वो हमारा सही होगा तो स्टेटमेंट टू क्या है सही है पहला गलत हो गया है दूसरा क्या हो गया है सही हो गया इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा ठीक है डी इज द राइट आंसर बीस नंबर जो है वो होमवर्क में रहेगा ठीक है कमेंट सेक्शन में आंसर करना सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसके सारे फॉर्मले बता दिए मैंने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मले बता दिए थे एक क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं यहां पर हाँ एस एस सी जे कभी लीक नहीं होता है बहुत बढ़िया ये है पॉजिटिव थिंकिंग चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर सभी है इसको भी करा दो इसको क्यों करा दे इसमें तो तुम्हें मैंने बता दिया ना पूछ रहा है ना इंड, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम या बताओ नहीं नहीं कल ही करेंगे इसको ठीक है अब थोड़ा देर रेस्ट होगा साढ़े ग्यारह बजे मास्टर क्लास होगी साढ़े ग्यारह बजे मास्टर क्लास होगी आज तो ध्यान देना सभी लोग ठीक है साढ़े ग्यारह बजे मास्टर क्लास होगी सभी लोग इसको ध्यान देना ठीक है तो हम बात करेंगे साढ़े ग्यारह बजे अरे थोड़ा सा तो सब्र रखो यार करा दूंगा यार सब करा दूंगा थोड़ा सा मैं पांच दस मिनट ब्रेक ले लू ना फिर उसके बाद साढ़े ग्यारह पे मास्टर क्लास भी है फिर बारह बजे से फिर मास्टर क्लास है अपनी तो सारी चीजें हैं ठीक है थीके? ये अपनी एप्लीकेशन पर होती है ग्यारह दस बजे हमारी यहाँ होती है कल है सैटरडे और संडे सैटरडे संडे को सुबह ग्यारह बजे क्लास होगी सैटरडे संडे को सुबह ग्यारह बजे क्लास होगी ठीक है देखो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन कहता है मिनिमम ग्रेड्स ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी क्या निकल के आता है पीसीसी के लिए एम फिफ्टीन और आरसीसी के लिए कितना एम ट्वेंटी निकल करके आ रहा होता है ठीक है एम ट्वेंटी निकल करके आ रहा होता है तो यहाँ पर देखेंगे कितने लोगों ने सही आंसर दिया है वेरी हेल्पफुल सेशन हम बात करते हैं देवेंद्र ने आंसर दिया हुआ है हम बात करते हैं यहाँ पर शहर ने आंसर दिया हुआ है मेकअप uh, दि uh, दिवाली ने हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर दिया हुआ है बहुत बढ़िया रेडिएशन ने आंसर दिया हुआ है रेडिएशन नाम भी क्या खतरनाक है ठीक है यूजर ने आंसर दिया हुआ है दीपक ने आंसर दिया हुआ है बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर विल बी नाइन्टी सिक्स मीटर स्क्वायर बायवाइडल नाइन्टी टू मीटर स्क्वायर बाय मिड सेक्शन फॉर्मुला ओके दीपक अः uh, इसको मैं देख लूंगा अगर कुछ गड़बड़ है तो देख लेना कैलकुलेशन बाकी फॉर्मुला सेम होगा ठीक है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है अगर हम बात करते हैं इमामी ने आंसर दिया हुआ है यहां पर तो हम बात करते हैं कंडीशन होगा ठीक है अंकिता वर्मा ने भी आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी डेविंद ने भी आंसर दिया है ठीक है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जॉब के साथ बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है ठीक है आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए अभिषेक का आंसर सी है और अनिल का आंसर भी सी है सभी का आंसर सी है बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर तो यहाँ पर देखो शोमोर में जाना तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर क्या टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना ठीक है टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर डेली क्विज भी मिलेगा और डाउट सेशन भी मिल रहा होता है तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ठीक है, है। दूसरा अगर हम बात करें एई जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एस जेई आने वाला है अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो बिल्कुल यार आज यहाँ पर एनरोल कर लो एस जेई का जो बैच है वो ऑलरेडी चल रहा है सर्विंग मेरा वहां चल रहा है आर जेई का बैच भी वहां पर चल रहा है सफलता बैच भी चल रहा है और एस जेई का नॉन टेक्निकल भी आपको यहाँ पर कवर अप करने को मिलेगा ठीक है दोनों चीजें कवर अप करने को मिलेगी साथ ही साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर नोट्स और नोट्स के साथ मिलेगा क्या आपको यहाँ पर तो आज देखो यहाँ पर जो सिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो और सस्ता करते हैं है कैसे वी ए आई वी एच ए वी और ये कूपन लगाओ और हम बात करेंगे ये देखो सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन कितना थ्री फोर थ्री वन मतलब कितना थ्री फोर थ्री वन आ जाएगा, 4700 से कितना? 3431 आ जाएगा. 4700 से हम बात करें कितना थ्री फोर आ जाएगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएगा तो सभी लोग इसको इनरोल कर लो विदाउट एनी डिले विदाउट एनी डिले क्या कर लो इनरोल कर लो वैभव कोड के साथ आपके लिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर चीजें निकलती के आएंगी ठीक है सो थैंक यू एवरी एंड लव यू गाइज मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ओके okay? जाते जाते से सेशन को शेयर और लाइक कर देना बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है कुछ भी किया जा सकता है ठीक है बहुत बढ़िया